श्लोक। इट इज सेड दैट अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। There are thousands and lakhs and crores of people who are aware of medicines and formulae. Even there are thousands of people who know principles of managing a particular condition, but the person who knows to amalgamate the two of them, जिसको योजना करना आता है, जिसको दोनों चीजों को साथ साथ में देखना आता है, वो दुर्लभ होता है और उसे ही योजक कहते हैं। और युक्ति, इसका वर्णन कहां पर किया है चरक ने? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। योजना चतुष्क हमने स्टार्ट किया हुआ है आज, है ना? रोग चतुष्क हमारा महारोग अध्याय से संपूर्ण संपन्न हुआ है, उसके बाद अभी योजना चतुष्क है, जैसे कि निरुपमा कह रही है परादि गुण में है। वेरी राइट। एंड परादि गुण आर व्हाट? सिद्धि उपाय गुण। यदि आपको सिद्धि चाहिए, सिद्धि मीन्स सक्सेस, सक्सेस इन व्हाट? इन व्हाट एवर यू वांट, नॉट ओनली प्रैक्टिस, इन व्हाट एवर, हर किसी में आपको सक्सेस चाहिए तो युक्ति चाहिए, बिना युक्ति के सक्सेस नहीं हो सकती। और व्हाट इज युक्ति? बहुत सारे नोन अननोन फैक्टर्स को साथ में मिलाकर काम करना, यही युक्ति होता है, और किसी एक विशिष्ट निदान पर, निश्चिति पर पहुंच पाना। युक्ति योजना या तो युज्यते, जैसे कि अरविंद सर कह रहे हैं, राइट? अभी हम जो ये कोर्स कर रहे हैं, इट्स बेसिकली एन युक्ति, अलग अलग डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्ट, जो चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, इन सब से जुड़े हुए हैं, उन सब को हमें एक साथ में मिलाकर काम करना है, इसे ही युक्ति कहते हैं। और जब सभी चीज़ें सही हो जाती हैं अपने आप, तो डेफिनेटली द आउटकम इज गोइंग टू बी अमेजिंग। जस्ट अ सेकंड, शायद कोई है। ओके, सो अभी तक का हमारा जो सफर हुआ है, भेषज चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, निर्देश, कल्पना और रोग चतुष्क, इसके आधार पर अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि अष्टौ निंदित के बाकी के छह तो छोड़ दीजिए, क्योंकि दे आर प्रैक्टिकली नॉट ट्रीटेबल एंटिटीज, लेकिन जो स्थूल और क्रूश है वो प्रैक्टिकली ट्रीटेबल भी है, मुश्किल भी उनको ट्रीट करना, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। तो अगर मैं आपको पूछूँ, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ The 20 अध्यायस दैट वी हैव गैदर्ड, खुद का नॉलेज दूसरा लेकर नहीं है, बेस्ड ऑन द संस्कार विच वी हैव गॉट ऑफ दीज 20 अध्यायस, व्हाट ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स और व्हाट मेडिसिन्स ऑल्सो, द्रव्यज ऑल्सो वी शुड यूज इन प्रैक्टिस ऑफ स्थौल्य। कोई अनम्यूट करके बताइए या तो चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, बेस्ड ऑन भेषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग चतुष्क, What can be the treatment modalities for स्थौल्य? क्रम से भी जाएंगे आप तो भी चलेगा, क्रम से तो बहुत अच्छा रहेगा, यथा अवस्था क्रमेण वा, या तो क्रम से जाइए या आपको जो सूझ रहा है, जहां से जो याद आ रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन दीज 220 अध्याय आप पहले बताइए, क्योंकि अभी धीरे धीरे में ये क्वालिटी हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है। युक्ति होना एक वैद्य का बहुत बड़ा गुणधर्म है, इसीलिए जानबूझ के इस अध्याय के बहाने मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है। जितना याद आता है उतना आप बताइए, चैट बॉक्स पे टाइप करते चले जाइए, स्थौल्य प्रिंसिपल मॉडालिटीज और स्थौल्य द्रव्यास, स्थौल्य गुण कर्मास ऑफ मेडिसिन और हेतुज, वॉट एवर यू फील लाइक। क्या बात है, कोई भी नहीं बता रहे? यस, दीपिका मैंने बताया, रात्रो जागरण इन मेदो रोग, यस, वेरी नाइस, उद्वर्तन, व्यायाम, वेरी नाइस, यस, दिस इज अगेन अ बेटर आंसर बिकॉज मोर यू टू आर भेषज चतुष्क, लेखनीय महाकाशा आपको दिखा, दैट विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट बिफोर एंटरिंग इन टू दिस अध्याय, स्वेदन, स्वेद कर्म आपको दिखा बिकॉज यू हैव सीन इट, दीपनीय महाकाशा है, राइट, ये पहले आपको देखना है। सामान्य विशेष को कभी मत भूलिए, अगेन
वेरी निग्लेक्टेड, वेरी बेसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामान्य विशेष को पहले तो ध्यान में रखना है। स्थौल्य का सामान्यत्व क्या है ये आपको पता चाहिए, स्थौल्य का विशेष क्या है आपको पता चाहिए। पहला माइंड को खुद ही क्वेश्चन पूछे, व्हाट कैन बी द सामान्यत्व ऑफ स्थौल्य, फिर देखिए 20 अध्याय में क्या क्या दिखता है। व्हाट कैन बी द विशेष ऑफ स्थौल्य, फिर देखिए 20 अध्याय में क्या क्या दिखता है। और फिर 21 अध्याय तो है ही स्पेसिफिक, इट इटसेल्फ इज अ विशेष फॉर स्थौल्य, राइट। यस, अरविंद सर ने युक्ति की है, लंघन ये दुनिया क्या है, दीपनिया, अच्छा लंघन दीपनिया लेखनिया, ग्रेट, दुनिया हिल जाएगी उसकी तो लंघन दीपनिया और लेखनिया से, बिल्कुल, और हिलानी है उसकी दुनिया हमें, उसका ब्रह्मांड हिलाना है हमें, स्थौल्य के पेशेंट का, जो ब्रह्मांड बढ़ रहा है उधर के रूप में, है ना। और इट इज अ रियली अ चैलेंजिंग जॉब टू डू दैट। आई वॉन्ट इवन मोर बेटर आंसर्स, मैत्री मैम ने तो बता दिया है। आई एक्सपेक्ट वेरी प्रिसाइज मोर ब्यूटिफुल आंसर्स फ्रॉम यू पीपल। जाहिर सी बात है इमीडिएट नहीं आएगा, आराम से सोच के बताइए, लिखिए आप, बिना अष्टोनिंदित अध्याय पढ़े या उसके फॉर्मूले यूज किए हुए या उसके कंसेप्ट यूज किए हुए, आज आप ऐसा भी कोई माइंड मैप बना सकते हो कि अप्रोच टूवर्ड्स अ पेशेंट ऑफ स्थौल्य थ्रू बेशज स्वस्थ निदान कल्पना एंड रोग चतुष्क, इजंट इट। रोग चतुष्क की शुरुआत ही शिर से है, हमने देखा था। क्या हम प्रधमन नस से स्टार्ट कर सकते हैं स्थौल्य की मैनेजमेंट? प्रधमन नस अपतर्पण जाति का है, स्थौल्य के पेशेंट को चिंता देना ये एक पॉजिटिव कर्म है ना। यू कैन स्टार्ट विथ प्रधमन नस, व्हाई नॉट, यू शुड स्टार्ट इन फैक्ट इफ यू हैव गॉट द जिस्ट ऑफ कियंत शिरसीय। कहीं ना कहीं उसकी प्रज्ञा शुद्धि की स्टार्टिंग वहां पर होगी और फिर वो स्थौल्य के अनुरूप वहां से स्टार्ट हुई। यवागु, यस करिष्णु यवागु दी हुई है। यदि आपको समझ में आ जाए ना एक एक अध्याय पहले के, तो आगे के अध्याय में जाने की तक जरूरत नहीं हो जाती है, इतना ब्यूटीफुली वो चीजें प्लेस की हुई है। एंड देयरफॉर आई नेवर कॉल हिम चरक, आई कॉल हिम भगवान चरक, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू कॉल हिम भगवान। कुछ इस तरीके से वो मैनेजमेंट की हुई है अध्यायों की, राइट। अभी जरा चक्रपाणी देखते क्या कहते हैं। रोग चतुष्क, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है क्या ज्वाइन होने में? तो आई थिंक ऑल हैव ज्वाइन नाउ, ओके। सो अष्टोनिंदित अध्याय में पहले चक्रपाणी कहते हैं, रोग चतुष्क रोगा उक्ता भेषजन च भेषज चतुष्क, पहली टीका है पहली लाइन की, हमेशा ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। जब भी किसी अध्याय में एंट्री करो तो पहले उसका यूजर मैनुअल पढ़ो जो चक्रपाणी बताते हैं, है ना, उस अध्याय का यूजर मैनुअल होता है चक्रपाणी के पास। रोग चतुष्क रोगा उगता भेषजन च भेषज चतुष्क, रोग चतुष्क में रोगों का वर्णन कर दिया, भेषज चतुष्क में भेषज का वर्णन किया है। रोग भेषज योस्तु योजना यथा कर्तव्य तद उक्तम योजना चतुष्को अभिधीयते, और रोग तथा भेषज की योजना यानी कि युक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए उसके वर्णन के लिए योजना चतुष्क है। अगेन रिमेम्बर, दिस इज अ वेरी क्रक्स लाइन, रोग और भेषज। आपके पास रुग्ण आया हुआ है किसी रोग को लेकर और आपके पास कुछ दवाइयां है आपके माइंड में उससे लेकर, अब उस रोग से लेकर, राइट, उस रोग से रिलेटेड और जो कंसेप्ट्स आपके पास है दवाइयों से रिलेटेड, उन दोनों की योजना आपको करते आनी चाहिए, परफेक्ट। और इसके लिए फिर योजना चतुष्क का अध्याय है और उसमें भी अष्टोनिंदित आया है, उसमें भी सबसे पहले वर्णन जो है ये अति स्थूल और क्रूश का है, अति दीर्घ रस वो तो उन्होंने जस्ट बताने के लिए बताया, क्योंकि उन छह की तो ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए उनको पहले निपटा दिया है, और बाद में जिनकी ट्रीटमेंट बतानी है खास करके वो अति स्थूल और क्रूश को लास्ट में लिखा हुआ है। अभी आपको योजना तो करनी है रोग और भेषज को देखते हुए, लेकिन ये सब योजना कैसे होगी? तो शरीर सापेक्ष होगी, बिकॉज वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू और वॉट एवर यू आर सीइंग इज इन अ लाइव बॉडी, है ना। जो भी कोई पेशेंट है, मान लीजिए प्रमेह हुआ है किसी को, तो वो शरीर में हुआ है, या तो स्थूल शरीर में हुआ है या तो क्रूश शरीर में हुआ है,
जो भी आप औषधि की योजना करने वाले हो, या तो आप स्थूल शरीर में करने वाले हो या तो कृश शरीर में करने वाले हो, इसलिए आपको उस शरीर को पहले देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पर वो रोग मैनिफेस्ट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक थिंग, और ये सबसे पहली चीज है, दर्शन परीक्षा है। दर्शन से आप पहले क्या देखोगे, रोग के भी पहले आप देखते हो उसका शरीर दिखता है आपको, उसकी आंखें दिखती है, उसका सोहन दिखता है। इसलिए स्थूल और कुरुष ये हर एक पेशेंट में जरूरी है, नॉट ओनली इन पेशेंट ऑफ स्थौल्यंकारस्य, बिकॉज स्थौल्यंकारस्य आर डिजीजेस इटसेल्फ एंड दे आर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, दे आर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी। कोई भी पेशेंट स्थौल्य या कार्श के स्वरूप में आपके सामने आता है और उसको मद्देनजर रखते हुए आपको योजना करनी है। एनी डैम पेशेंट इन द वर्ल्ड, आपको पहले वो स्थूल है या कुरुष है ये बेसिक क्लासिफिकेशन कर कर फिर बाद में एक 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 एक, एक युक्ति के आयाम उसमें ज्वाइन करते चले जाने हैं। अब यहाँ पर हम टेकन फॉर ग्रांटेड हमेशा लेते आने रहते हैं, ये हमारी आदत है खराब, वो हमें धीरे धीरे मिटानी है। निंदित वर्ड आ गया, उसका मतलब निंदा या बुरा किसी अर्थ में हम उसे लेते हैं, या कुछ काम का नहीं है इस प्रकार से, तो लिटरल उसका मीनिंग ऐसा नहीं है। निंदित्वम च तेषां लोक विगाण आदेव अति दीर्घश्च इति आदि चकारः कुब्जादि निंदित ग्रहणार्थम, यानी कि क्या, निंदित होने में विरूपता ही कारण है। यहाँ पर जो दिखने में अच्छा नहीं है, दैट इज विरूप। इट नॉट नेसेसरी मीन्स दैट इट इज बैड इन सम अदर वे, है ना। इसलिए शब्द भी है अति रस्व, अति दीर्घ, रस्व या दीर्घ नहीं है। अमिताभ बच्चन कोई निंदित नहीं है, किसी ग्रुप पे चर्चा चल रही थी कल कि अमिताभ बच्चन निंदित है, नॉट एट ऑल, अति दीर्घ। जो दीर्घों में भी दीर्घ है वो अति दीर्घ होगा, और वो भी निंदित इसलिए नहीं है कि उसके लिए चिकित्सा कोई डिफिकल्ट है या बहुत कुछ है, तो वो दिखने में विरूपता के कारण उन्हें निंदित माना गया। वैसा ही अतिलोम अलोम को है, अति कृष्ण और अति गौर को है। हमारा जो प्रधान इंद्रिय है चक्षु, उसके लिए वो दिखने में इट्स विरूप, इसलिए उस एंगल से उसे निंदित कहा गया है। लेकिन स्थूल और कुरुष को जो है ये अलग सेपरेट किया है, ये निंदितों में निंदित तो है ही लेकिन विशेष निंदित है। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट संबंध जो है ये आयुष्य से है। स्थूल का पहला संबंध, पहला वर्ड आया है आगे जाकर आप देखोगे तो आयुषो उपरोधा, आयुषो रासा, जवो परोधा, अति स्थूलस्य, डायरेक्ट ये आयुष्य से उसका कनेक्शन होने के कारण। और कृष का तो प्रायो अभिधावंती ग्रहणी गता रोगा, कृष में प्राय ग्रहणी गत रोग, ग्रहणी अर्श जैसे लोग कृष व्यक्ति में दिखते हैं, और ये मूल है हमारी आयुर्वेद में बहुत सारे व्याधियों के। इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से देखिए, आज का वर्णन करते हुए मैंने कहाँ कहाँ पर हमारे क्रक्स पॉइंट्स को छुआ है, प्रधमन्नस्य शिर को छुआ, वर्णन करते हुए दर्शन परीक्षा क्रक्स कुछ हुआ है ना, फिर सामान्य और विशेष हमने देखा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस प्रकार से हमें विजुअलाइजेशन करना है उन सब चीजों का। अभी पहला वर्ड यदि आयुषो रास है अति स्थूल में, तो कौन सा महाकषाय आना चाहिए आपके हिसाब से? जस्ट बाय कंसिडरिंग दैट स्थौल्य में आयुष्य का रास हो रहा है, दे आर गोइंग टू बी लिविंग अ अल्पायु, यस, जीवनीय। और पहला महाकषाय कौन सा है? जीवनीय, वयस्थापन, अगेन राइट, बोथ ऑफ दीज शुड कम फर्स्ट। लेखनीय तो आएगा ही आएगा, बाद में आएगा, जीवनीय और लेखनीय को हमें, जीवनीय और वयस्थापन को भूलना नहीं है, फिर बाद में हम उसमें युक्ति लगाएंगे, युक्ति बाद में लगानी ही है हमें। जीवनीय और वयस्थापन में फिर हम उसमें कौन से रुक्षण करने वाले हैं, कौन से लेखन करने वाले हैं, कौन से स्वेदन करने वाले हैं, वो आगे की निश्चिति होती चली जाएगी। ओके, आपको ये लॉजिक पहले समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। योजना चतुष्क की प्लेसमेंट देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, अष्टोनिंदित बता दिए दर्शन परीक्षा से, जिन छह के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते उनको छोड़ दिया, उनका वर्णन किया ही नहीं है, सिर्फ बता के छोड़ दिया है। अति स्थूल और कुरुष का अच्छे से वर्णन किया है, क्या हेतु है, कैसे होता है, संप्राप्ति क्या है, किस प्रकार से चिकित्सा है, द्रव्य तक दे दिए है, फॉर्मूले भी दे दिए हैं, कंसेप्ट दे दी है। फिर हु इज एन आइडियल पर्सन, वो चकार से बताते हुए
18वें श्लोक में बता दिया है कि सम मांस प्रमाणस्तु सम संहननो नरः दृढ़ेन्द्रियो विकाराणां च बलेन अभिभूयते न बलेन अभिभूयते। आइडियल व्यक्ति कौन है, कैसे समझेंगे कि ये स्थूल भी नहीं है और क्रूश भी नहीं है, कैसे समझेंगे कि इसका वेट प्रमाण नॉर्मल है? तो हमारे हिसाब से वेट इज नॉट द क्राइटेरिया, वेट इज अ वेरी वेरी गौन क्राइटेरिया, सुपरफिशियल मंद बुद्धि का क्राइटेरिया है एक व्यक्ति नॉर्मल है या नहीं समझने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी आई एम टॉकिंग। बेसिक क्राइटेरिया है सम माउंस प्रमाणस्तु, माउंस का महत्व है, अध्याय स्थौल्य का है, लेकिन स्थौल्य में सिर्फ मेद का महत्व नहीं है, माउंस का भी महत्व है। माउंस मेदो अति वृद्धत्वात् ऐसे बहुत जगह पर आया हुआ है, तो हमें माउंस देखना है। इसलिए माउंस सारता क्या है, माउंस वृद्धि क्या है, माउंस क्षय क्या है, माउंस और स्रोत की दुष्टि कैसे होती है, ये सब भी हमें देखना जरूरी है। संवहन परीक्षण हमें जो है चरक विमान 8 में वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंद्रिय उसके अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते हैं ये देखना जरूरी है। भूख प्यास उससे सहन होती है या नहीं होती, यदि हो रही है किसी को व्यक्ति को तो समझना चाहिए ये व्यक्ति इसका शारीरिक स्तर पर बल अच्छा है। शीत व्यायाम संसा व्यायाम सहन कर पाता है, कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रवास हो जाता है, कहीं अधवा हो जाता है तो उसको सहन करने की ताकत होती है, और बहुत लोग हमें दिखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ व्यायाम हो गया तो इमिडिएटली उनको बीमारी होना शुरू हो जाता है या तो दौर्बल्य की परिचिति होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक श्लोक को भी हमें प्रैक्टिस में यूज करना है पेशेंट एग्जामिनेशन में। और फिर स्थौल्य और कार्श का सीधा सा संबंध निद्रा से है, क्योंकि निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श बराबर ये श्लोक है, इसलिए फिर प्रसंग तंत्र युक्ति से इसी अध्याय में उन्होंने निद्रा को निपटा लिया है। निद्रा से रिलेटेड सभी चीजें, दीवा सब क्यों करना है, किसने करना है, किसने नहीं करना है, ये सभी बातें वहां पर बता दी है, बहुत ही खूबसूरती से वहां पर बता दी है। ओके, इस तरीके से शरीर को अधिकृत्य करके ये अध्याय लिखा गया है। और फिर लंघन ब्रूहणी अध्याय आता है, जहां पर उपक्रम ही उपक्रमेत न द्रव्य ही उपक्रमेत, ये जो मेरा YouTube पे वीडियो है इसको आप बाद में देखिएगा, आज मत देखिएगा, लंघन ब्रूहणी अध्याय जब हम देखेंगे, क्योंकि हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया अभी शरीर बेसिस के ऊपर कि ये व्यक्ति स्थूल है या क्रूश है, लेकिन अब ये सिर्फ शरीर तो लेके आया नहीं है, साथ में कोई व्याधि भी लेकर आया है। मान लीजिए क्रूश शरीर सॉरी स्थूल शरीर का व्यक्ति है और अतिसार लेकर आया हुआ है आपके पास कंप्लेन, ऐसा ही होता है ना प्रैक्टिस में, तो आप क्या करोगे, सिर्फ स्थूल लेके बैठोगे तो गुरु अतर्पण करते रह जाओगे, अतिसार जो मेन व्याधि लेकर आया है उसमें तो अनुपशय हो जाएगा, तो ऐसा करना नहीं होता है। फिर से युक्ति लगानी है, योजना चतुष्कय आगे का अध्याय लंघन ब्रूहणी अध्याय, उसमें 6 उपक्रम दिए हैं, और ये गुजरात के फेमस सुराणी सर है हुआ करते थे, उनका ये वाक्य है कि उपक्रम ही उपक्रमित न द्रव्य ही उपक्रमित, मेरे दिल को छुआ है ये डायलॉग कि द्रव्य ये कुछ मायने नहीं रखते, द्रव्य आर वेरी सेकेंडरी, द्रव्य ना भी पता हो आपको तो कोई बात नहीं, उपक्रम ही उपक्रमित, उपक्रम से ही उपक्रम होता है, न द्रव्य ही उपक्रम, आपको यदि उपक्रम पता चल जाए क्या करना है तो सभी द्रव्य पांचभौतिक है, नाना औषध भूतम जगत, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो अनौषध नहीं है, सिर्फ आपको उपक्रम पता होना चाहिए। तो स्थौल्य और अतिसार का पेशेंट आ जाए, कौन से उपक्रम यूज करोगे आप, है ना, क्या करोगे आप स्थौल्य और अतिसार का पेशेंट आ जाए, पहले तो आप हेतु लोगे, दोज आर सेकेंडरी थिंग्स, आई एम आस्किंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फ्रॉम द उपक्रम पर्सपेक्टिव फिर से सामान्य विशेष स्थौल्य अतिसार, पहले यह देखना है कि क्या सामान्यत्व है दोनों में, चिकित्सा की दृष्टि से और व्याधि की दृष्टि से भी क्या सामान्यत्व है। व्याधि की दृष्टि से सामान्यत्व क्या है, दोनों ही आमाशय समुत्थ विकार है, ये पहला सामान्यत्व हमें दिखना चाहिए, राइट, एंड एज यू आर ऑल राइट, लंघन ये उपक्रम आएगा दोनों को कॉमन बेस देखते हुए, राइट। चलो प्रसंग तंत्र युक्ति से एक वर्णन, आपको एक बहुत मस्त ब्यूटीफुल फॉर्मूला काइंड ऑफ बता देता हूँ। एक अतिसार का पेशेंट आ जाए, सिर्फ अभी ये छोड़ दीजिए कि वो स्थूल है क्या क्रूश है, व्हाट शुड बी योर ट्रीटमेंट अप्रोच जस्ट फॉर अतिसार, कौन से प्रिंसिपल्स आप यूज करोगे। एक तो मैंने बता दिया कि आमाशय समुद्भव है अतिसार, तो जाहिर सी बात है पहला उपक्रम क्या होगा, और ऐसा हम करते हैं क्या प्रैक्टिस में,
ऐसा करते हैं, पाचन करते हैं अतिसार के पेशेंट को आते ही। दो ऐसे व्याधि छर्दी और अतिसार जिस जो लंघन अपेक्षा रखते हैं, जिसमें कुछ नहीं देना ही ट्रीटमेंट है, वहां पर मॉडर्न में देखिए सबसे पहले उसमें ठूसा जाता है आईवी फ्लूइड्स। और ये एक्स्ट्रा आईवी फ्लूइड जो उसमें ठूसते हैं हम छर्दी या अतिसार के पेशेंट में, वही पेशेंट आगे जाकर गृहिणी में लैंड होते हैं। इस सब का संबंध शोणित कफ प्रसाद जम सॉरी आंत्र की उत्पत्ति से है, शोणित और कफ की से, कफ और आश्रुक से है। ठीक है, तो अतिसार की सिंपल चिकित्सा आज आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप मुझे बोलिएगा कैसे लगता है। पेशेंट अतिसार का आया है नया नया, बोल रहा है सर 3-4 बार लूज मोशन हो रहा है या थोड़ा सा रुक रुक के हो रहा है, लेकिन 5-6 बार जाना पड़ रहा है। फर्स्ट चीज इज उपेक्षा, उपेक्षा एव वेशजम। व्हाट इज उपेक्षा? उप मीन्स पास, एक्षा मीन्स देखना, पास से देखना इज उपेक्षा। उपेक्षा डजंट मीन्स टू निग्लेक्ट, उपेक्षा मीन्स टू निग्लेक्ट विथ अवेयरनेस। जैसे हम गैस पे दूध रखते हैं, माँ बोलती है अपने बच्चे को कि आप मैंने दूध चढ़ाया हुआ है गैस पे और आपको बस उसको देखना है, तो इसका ये मीनिंग नहीं होता है कि दूध को पूरा ऊपर आने दिया जाए और बाहर पूरा प्रसरावस्था से भेदावस्था में चले दिया जाने जाए, राइट? यहाँ पर उसका उपेक्षा करना है मतलब जब तक जरूरी है तब तक वेट एंड वॉच। एक बार दूध पतीले तक आ गया ऊपर तक, देन स्विच ऑफ द बटन, ये उपेक्षा होती है। डू यू एग्री? टाइप इन द चैट बॉक्स। और यही प्रैक्टिस में करना होता है स्टार्टिंग की स्टेट में। उपेक्षा एव अभेशजम, अतिसार में रुक रुक के थोड़ा थोड़ा अतिसार हो रहा है, पहले उपेक्षा, निग्लेक्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग आएगी अनुलोमन, रुक रुक के हो रहा है इसलिए हरितकी का यूज दिया है वहां पर। चलान बहुन दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः, जो बद्ध रुक रुक कर आ रहे हैं उसको हरितकी दे दीजिए और वहां से अनुलोमित कर दीजिए दोषों को। सेकेंड स्टेप देखिए, अतिसार में हम और अनुलोमन कर रहे हैं शुरुआती फेज में, और वो लोग क्या कर रहे हैं, स्तंभन कर रहे हैं, या तो उसको द्रव दे रहे हैं आईवी फ्लूइड्स के थ्रू, ऊपर से ओआरएस दे रहे हैं, हम तो नीचे से निकाल रहे हैं सब कुछ इस स्टेज में भी। उपेक्षा फर्स्ट सेकेंड अनुलोमन, ये करने के बावजूद यदि अतिसार नहीं रुकता है तो तीसरी ट्रीटमेंट कौन सी आएगी, क्या लगता है आपको? उपक्रम, कौन सा उपक्रम आएगा? ये आप समझ जाओ ना, इतना इजी है, ये माइंड मैप बन जाएगा मैप में इन 5 चीजों का। दुनिया का कोई भी पेशेंट आ जाए तो आपके पास अतिसार का इस फॉर्मूले से आप जाओगे तो गलती हो ही नहीं सकती। पहले हो गया उपेक्षा, फिर हो गया अनुलोमन, तीसरे क्रम पे आएगा ग्राही औषधि। पहले अभी ग्राही देकर देखिए, उसे शुंठी देकर देखिए, या तो जीरक या तो गज पिपली, राइट? पूरी संग्रहणीय भी आप यूज कर सकते हो युक्ति से, लेकिन कंसेप्ट वाइज पहले ग्राही आएगा, जो 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 द्रव्य ग्राही की श्रेणी में आते हैं और जो अतिसार साथ में रखते हैं द्रव्य, ऐसे ग्राही द्रव्य जो अतिसार अध्याय में बताए गए हैं, ये फिर से उसमें विशेष आएगा। वैसे आप कुछ यूज कर सकते हो, मान लीजिए जैसे शालीपरणी है या दीपन पाचन गण है, पूरा अतिसार महाकषाय में, अतिसार अध्याय में, उसमें से कुछ द्रव्य जो ग्राही आप ले सकते हो, पाचनी ग्राही पे आएगी फिर। नहीं, यस, इन 3 उपक्रम से तो अतिसार को ठीक होना ही होना है, क्योंकि बाकी की तो चीजें आप कर ही दोगे उसके बंद, या खुद ही उसका शरीर बंद कर देगा। जब नीचे से इतना डाउनलोडिंग हो रहा है तो वो ऊपर से क्यों नई फाइल्स को अपलोड करेगा खुदों के। अमूमन तौर पे अतिसार में तो पेशेंट करते नहीं है, तो खुद ही बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट रहेंगे जो फिर भी अकाउंट चालू रखेंगे अपना और उनका अतिसार बंद नहीं होगा, तो फिर चौथे स्टेज पे आएगा स्तंभन। फिर आपको डायरेक्टली स्तंभन कूटजेष्ठा द्रव्य इस स्टेज पर आएगा, पहले नहीं आएगा, पहले हरितकी आएगी, शुंठी आएगी, गज पिपली आएगी, जीरक आएगा, और उसके बाद में आएगा कूटजेष्ठा द्रव्य, या साक्षात जो भी स्तंभन द्रव्य इस अध्याय में दिए गए कि स्तंभन द्रव्य के गुणकर्म क्या होने चाहिए, उस हिसाब से आप स्तंभन द्रव्य यूज कर सकते हो, राइट? और मान लीजिए हजारों में कोई एक एक ऐसा पेशेंट है जो ये सब 4 करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? फिर भी उसका अतिसार नहीं रुक रहा है, व्हाट विल यू डू नाउ? कुछ
कूटा जगनोटी दे दी, ठंडा पानी पिला दिया आपने बहुत स्तंभन समझ के उसको, कुछ भी आपका जो भी कुछ लॉजिक है स्तंभन का, उसके हिसाब से स्तंभन दे दिया आपने, फिर भी नहीं रुक रहा है, तीसरा भी क्या करोगे? अभी वो पेशेंट जीर्ण ग्रहणी का या ग्रहणी का पेशेंट नहीं है, पेशेंट अतिसार का है, मतलब रेगुलर अतिसार अभी अभी हुआ है किसी खाने पीने की वजह से या इस चीज की वजह से, और बड़ा है पेशेंट, हाँ मतलब ग्रहणी में जाएगा नो डाउट, लेकिन पहले 7-8 दिन में ही बोल रहा हूँ मैं। बल अच्छा है अभी तक पेशेंट का, बल इज स्टिल फाइन, बल अगर अच्छा नहीं है तो फिर से दूसरी ट्रीटमेंट हो जाएगी, क्या यूज करोगे? आपने ग्राही यूज कर दिया है प्रॉपर्टी में, ऑलरेडी ग्राही चीजें है ही बहुत सारे इसमें, यू कैन यूज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगेन कम्स इन अ ग्राही श्रेणी, स्तंभन आप उसके आगे भी बढ़ रहे, स्तंभन से भी नहीं रुक रहा है आती सर, क्या करोगे अभी आप सोचो, क्या करोगे? अजीर्ण पाचन करोगे, वो तो हमने इनडायरेक्टली कर ही दिया है, गंगाधर चूर्ण दे दोगे, बस्ती दे दोगे, ही फेन, वाह वाह क्या बात है। सिद्ध ग्रोथ दैट कैन बी वन ऑफ द अप्रोच, ऑल आर राइट, ऑल आर राइट इन सम वेज। और कंसेप्चुअली देखा जाए तो ये स्टेज होती है गतिभेद की चिकित्सा, यहाँ पर आपको वमन देना होता है, राइट? टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। और आमाशय समुत्थ विकार अतिसार, ये भी मत भूलिए, वमन अगेन इज अ वमन अगेन इज वॉट अतिसार सात्म्य उपक्रम, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ उपक्रम डिजाइनिंग, इस प्रकार से हमें डिजाइन करके चले जाना है। ये सिर्फ आपको एक सोच को थोड़ा सा ये मिला इसलिए मैंने ये सब चीजें बताई है, तो ये मेरा फेवरेट अध्याय है लंगन भ्रूणीय, इस प्रकार से आप देख सकते हो बाद में से। फिर संतर्पणीय अपतर्पणीय आता है, जहां पर आपको युक्ति फिर से और आगे बढ़ानी पड़ती है कि गुरु च अतर्पणम, संतर्पणीय रोग कौन से उन सबके श्रेणी दे दी है, और अपतर्पण रोग कौन से है वो सबकी श्रेणी दे दी है। फिर लंगन भ्रूणीय अध्याय और अष्टनिंदित को बेस रखकर इस संतर्पणीय अध्याय से आप उसको चिकित्सा दे सकते हो। कुछ पेशेंट आते हैं जिसको आपको चीरकालीन लघु संतर्पण देना पड़ता है, खास करके ग्रहणी के पेशेंट, कार्श के, अर्श के पेशेंट, इसमें यदि पेशेंट ब्रूहन साध्य भी हो, उसको स्थूल करना हमारा पर्पज भी हो, तो भी आप डायरेक्टली उसको दे नहीं सकते, क्योंकि अग्नि इज नॉट दैट मच केपेबल ऑफ डूइंग दोज थिंग्स। तो वहां पर इस अध्याय से बताई गई संतर्पण मंत्र को आप यूज कर सकते हो। ये मेरी थीसिस का टॉपिक था एमडी में, कि माल नरिश्ड जो बच्चे थे 10 से 12 साल के, प्री एडोलेसेंट माल न्यूट्रिशन, उसको मैंने चीर काल से अपतर्पित है ऐसी कंसेप्ट लगाकर उनको डायरेक्टली आप शतावरी या अश्वगंधा क्षीर ऐसा नहीं दे सकते हो, तो मैंने इस अध्याय का संतर्पणीय अध्याय का उनको यूष दिया था, जिसमें पिप्पली मधु आदि सभी चीज़ें हैं, यव है, तो वो प्री एडोलेसेंट ग्रुप को, गरीब बच्चे थे, उनको करीब 2 महीने तक ये यूष दिया था उनको, संतर्पण यूष इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें करना होता है, और ये सब करने के बाद भी एक फैक्टर जो है विच इज अ मिस्टिकल फैक्टर वो रह जाता है, दैट इज द रक्त नाम की चीज। ये सब करने के बावजूद कुछ ऐसे पेशेंट है जो ठीक ही नहीं हो रहे किसी से, तो उन पेशेंट में आपको रक्त को हमेशा मद्देनजर में रखते हुए ट्रीटमेंट करनी है। इसलिए शिखराध्याय जो आता है योजना चतुष्क का, वो है विधि शोणिति, अगेन शिखराध्याय वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय। इसमें फिर से उन्होंने चरम सीमा बता दी है, रक्त की परम विकृति हो जाए तो संज्ञा नाश, मोह मूर्छा जैसी कंडीशंस हो जाएगी, जो सब रक्त को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पर बता दिया। और रक्तज व्याधि क्या क्या हो सकते हैं, क्रोध से लेकर तंद्रा, निद्रा जो हम कभी सोचते भी नहीं है, अग्निसाद, ये सभी रक्तज विकार है, इन सभी का कहीं ना कहीं हमें विचार करना ही पड़ता है यदि नॉर्मल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हमें उपशय नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं एक पुरुष का विजुअलाइजेशन से, स्थूल है या क्रूश, और अंत में एंड करते हैं उस चीज को रक्त से, क्योंकि धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते प्राणो शोणितमी अनुवर्तते, रक्त का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है किसी भी युक्ति में, किसी भी व्याधि की योजना में। इस प्रकार से उसको योजना चतुष्क को रक्त से एंड करते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आएंगे आप तक योजना चतुष्क की आपको।
type in the chat box how are you feeling. Isn't it an amazing feeling? Because we are going through a very traditional approach. जैसा वो कह रहे हैं वैसा हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक हमने 10% भी समझा नहीं है, 10% भी हमने समझा नहीं है, मतलब मुझे ही नहीं समझा है कि वो किस प्रकार से करते हैं. सोचिए सिर्फ हमें 0.01% भी उनकी सोच समझ में आ जाए कि वो कौन से एंगल से देखते हैं किसी चीज को, तो क्या होता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ चरक. फिर अभी आज आपको कुछ मुझे ऐसे द्रव्य बताने हैं जो स्थूल और कुरुष दोनों को हित करें. वेरी प्रैक्टिकल. टाइप कीजिए चैट बॉक्स में ऐसे कौन से पदार्थ हैं आपके हिसाब से या उपक्रम है जो स्थूल और कुरुष दोनों को चलते हैं. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं ना, दोनों को चलिए फिर बाद में योजना युक्ति लगाइए. कौन से ऐसे द्रव्य हैं जिनके फलश्रुति में आया है स्थूल और कुरुष दोनों को हितकर है. लाजा इज नो डाउट अ वंडरफुल द्रव्य, लेकिन शायद फलश्रुति में ऐसा वर्ड नहीं है कि स्थूल और कुरुष उभय हितकर है. पिपली अपमार्ग ऐसा आया है कहीं पर श्लोकों में? मुझे तो नहीं पता ऐसा है. अभी कहीं जाकर एक सही उत्तर आया, तिल. बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य आप भूल रहे हो. गुरुचि तो नहीं आया है. ग्रुत, ग्रुत स्पेसिफिकली फॉर वात पित्तोत्तर अवस्था ओनली. कफ क्षीण चाहिए ग्रुत पान करने के लिए. कफ बड़ा हुआ है तो ग्रुत नहीं दे सकते शहद. अच्छा, शहद जो है ना ये योगवाही क्राइटेरिया की वजह से कृषि में यूज होता है. राइट. और शुंठ, बहुत सारे आप द्रव्य बताए और इम्पोर्टेंट द्रव्य रह गए आप बहुत ज्यादा. उभय हितकर है, दोनों को काम की चीज है. निरुपमा ही ना भी ठीक. मध्य, मध्य की फलश्रुति देखिए दिया है या नहीं. गोधूम की फलश्रुति देखिए दिया है क्या नहीं. स्थूल और काश, यव की फलश्रुति देखिए दोनों को चलता है या नहीं. और तिल तेल का पान, ये दोनों को चलता है क्या नहीं. तक्र सिर्फ स्थूलों के लिए है. तक्रारिष्ट प्रयोगाश्र श्लोक आया है स्थूल्य के इसमें. ठीक है, अभी कौन मुझे बताएगा यस तिल तेल इज अ राइट आंसर. तिल तेल, क्योंकि ये हमें कभी नहीं भूलना है कि स्थूल की वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज गुरु अतर्पण. अगेन द वर्ड इज नॉट अपतर्पण, हम उसको ऐसे ही पढ़ते हैं अपतर्पण अपतर्पण. ध्यान से पढ़िए, गुरु च अतर्पणम, जो गुरु है और अतर्पण जिस पर संस्कार किया जाता है. ऐसे द्रव्य तिल तेल का क्या लॉजिक है स्थौल्य में, तिल तेल का क्या लॉजिक है कार्य में, उसको यूज कैसे करोगे स्थूल के पेशेंट को और कार्य के पेशेंट को. तिल तेल जैसा स्निग्ध द्रव्य स्थौल्य में कैसे काम करता होगा. संतर्पण द्रव्य है, वात की परम औषधि है, वो कफ के परम विकार में किस प्रकार से काम करता है. तो आज ये पढ़िए, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत खूबसूरत दिया हुआ है टीका में, भाव प्रकाश में भी दिया है. जिसके पास भाव प्रकाश है भाव प्रकाश पढ़िएगा, या तो फिर इसमें बताइए. अरुंधति हेमाद्रि की टीका में भी दिया है भागवत सूत्र स्थान 5th अध्याय में, जहाँ पर तेल का वर्णन है, वो पढ़िए. तो 4-5 द्रव्य तो आपको अभी ऐसे मिल जाएंगे जो दोनों को चलते हैं, और फिर आपको युक्ति लगानी है उसको, संस्कार कौन सा करना है, यूज देना है उसका, क्या आहार कल्पना में यूज करना है, औषधि में यूज करना है, तो सब बहुत बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं. आप बाद में आगे जुड़ते जाओगे. यस, आयुष सर ने सही बताया, स्रोतस अवरोध की कंडीशन में तीक्ष्ण उष्ण गुण के कारण उसका भेदन एक्शन होकर वो. तो तिल तेल आपको स्टार्ट कहाँ पर करना है, स्टॉप कहाँ पर करना है स्थौल्य के पेशेंट में, ये समझना युक्ति है. आप सुबह सुबह एक स्थौल्य के पेशेंट को 20-40 ml तक तेल पान भी करवा सकते हो. इससे अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यदि कोलेस्ट्रॉल की लैंग्वेज में बोलूँ मैं आपको, तो HDL बढ़ेगा, LDL कम होगा. गुरु कल्पना होने के कारण अपने आप तीक्ष्ण उष्ण व्यवाही विकासी गुणों के कारण मेद का क्षपण होगा. और सिद्ध स्नेह यदि आप यूज करते हो उनमें, जैसे सहचर तेल हो गया या त्रिफला सिद्ध तेल. त्रिफला सिद्ध तेल इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू बी यूज्ड इन पेशेंट ऑफ स्थौल्य. उसको आप इंटरनली भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नली भी उसका उद्वर्तन दिया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा गुरु गुणों का उसमें ज्यादा चाहिए और संस्कार अपतर्पण चाहिए या अतर्पण का संस्कार उसमें चाहिए.
इस प्रकार की युक्ति से आप उनको यूज कर सकते हो. ओके, सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. निद्रा का एक मेरा माइंड मैप है, वो बीच में मैंने भेजा था, वो फिर से इस बहाने इस अध्याय के माध्यम से देखिएगा. आज इसी अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे, डिस्कशंस होगा, माइंड मैप बनाओगे तो आपको ग्रुप पे डालोगे. बाकी कुछ सोचना नहीं है हमें, बिल्कुल उस बैल की तरह आज हमें हो जाना है जो इसी अध्याय में देखेगा या इसी अध्याय की चीज़ों को ही विजुअलाइज करने की कोशिश करेगा, तब जाके हम पूरी तरह से जस्टिस कर पाएंगे आज के पारायण को और आज के एक्सप्लेनेशन को. ओके, और स्वस्थ वृत्ताचार रसायन में से क्या करना है ये तो आपको समझ में आ ही गया है. किसी एक मध्य पे को आपको फोन करना है, उसको बताना है कि मध्य जस्ट उसको पूछिए कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और बताइए उसको कि मैंने जस्ट मुझे कंसर्न हुआ, मध्य पड़ रही तो लगा कि आपको बता दूँ. फिर उसको फॉलो करना है नहीं फॉलो करना है वो उसकी आप मर्जी, लेकिन आप आपका काम कीजिए, इससे आपके कर्मों की शुद्धि होगी. ओके, कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल जस्ट लॉग आउट. आगे हम सेशंस रखने वाले एक्सपर्ट लोगों की भी, स्थौल्य के लिए डाइट क्या करना है या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू कीप. वो बताता हूँ मैं ग्रुप पे. अजीर्ण में दीवा साहब की चक्रपाणी पढ़िए, दिया हुआ है उन्होंने एक्सप्लेनेशन, उसी लाइन के नीचे चक्रपाणी का एक्सप्लेनेशन है. स्रोतोरोधकवात अग्निबल वृद्धि ऐसा कुछ लिखा है. कौन से अजीर्ण में दीवा साहब देना है, दैट इज ऑल्सो युक्ति, कितने दिन देना है, कितनी देर देना है.